ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ शगुन चौधरी, आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट माई पीपीटी ऑन द टॉपिक मानसिक प्रकृति गाइडेड बाय जसविंदर मैम। प्रकृति, प्रकृति से आप क्या समझते हैं? किसी भी व्यक्ति का जो स्वभाव होता है या नेचर ऑफ बिहेव होता है वो डिपेंड करता है उसकी प्रकृति पे। हर एक मनुष्य की अपनी अलग अलग प्रकृति होती है। अब प्रकृति का निर्माण कैसे होता है? शुक्र शोणित संयोगो यो भवेत् दोष उत्कट प्रकृति जायते। जब शुक्र शोणित का संयोग होता है, जिस दोष की अधिकता होती है उसी से पुरुष की प्रकृति का निर्माण होता है। विष जाए तो यथा किट्टो न विषणे विपद्यते तद्वत् प्रकृतियो मत्यर शक्नुवंती न वादितो। जैसे विष में पैदा होने वाले जो कीड़े होते हैं उनमें विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो विष में पैदा होते हैं लेकिन उससे वो मरते नहीं हैं, उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति होती है। ये प्रकृति जो है वो किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करती शरीर को। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हम इसे रिलेट कर सकते हैं पर्सनैलिटी से, नेचर से, हैबिट से, फिजिकल एंड मेंटल मेकअप। हम पढ़ेंगे मानसिक प्रकृति। मानसिक प्रकृति तीन गुण के आधार पर तीन प्रकार की मानसिक प्रकृतियों का भी गर्भ उत्पत्ति काल में निर्माण होता है। सात्विक प्रकृति 7 होती हैं, राजसिक प्रकृति 6 होते हैं, तामसिक प्रकृति 3 होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सात्विक प्रकृति। ब्रह्म सत्व, सच बोलने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जीतात्मक होते हैं, कार्य को विचार करना, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, क्रोध रहित होते हैं। ऋषि सत्व, इसकी कंपेयर हम ऋषि से करेंगे, यज्ञ हवन व्रत होम जो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, राग द्वेष नहीं करते, क्रोध नहीं करते, इनकी धारण शक्ति अच्छी होती है, पावर ऑफ रिटेंशन अच्छी होती है। कहते हैं इंद्र सत्व, इंद्र सत्व की कंपेयर हम भगवान इंद्र से कर देंगे, ये ऐश्वर्यवान होते हैं, बुरे कार्य नहीं करते, ओजस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, आदेश देने वाले होते हैं, धर्म अर्थ काम में लगने रहते हैं। रहता है याम्य सत्व, याम्य सत्व की कंपेयर यमराज से करेंगे, सभी प्रकार की इच्छाओं पर ध्यान देने वाले, समय पर कार्य करने वाले, सदा जागरूक रहते हैं, राग द्वेष मोह नहीं करते। रहता है वरुण सत्व, इनकी वरुण देवता से कंपेयर करी गई है यहाँ पे, सुर होते हैं, ब्रेव होते हैं, पवित्र होते हैं, असूचि से द्वेष करते हैं, जल क्रीड़ा प्रेमी होते हैं, बुरे कार्य नहीं करने वाले होते हैं। इसके बाद आता है कोवेर सत्व, संपन्न परिवार होता है इनका, धर्म अर्थ काम से युक्त होते हैं, सुखपूर्वक विहार करने वाले होते हैं, क्रोध और खुशी इनके दिखाई देती है। तो गंधर्व सत्व, गंधर्व सत्व की कंपेयर हम डांसर से करते हैं, इन्हें नाचना गाना अच्छा लगता है, माला पहनना, सुगंधित पदार्थ लगाना, सुंदर वस्त्र धारण करना, पाठ श्लोक कहानियों में कुशल होते हैं। रहता है राजसिक प्रकृति पुरुष, ये 6 होती हैं। फर्स्ट नंबर 1 होती है असुर सत्व, सुर होते हैं, ये ब्रेव होते हैं, अपनी प्रशंसा करने वाले, चंडाल क्रूर और रौद्र होते हैं, टेरिफाइंग होते हैं। रहता है राक्षस सत्व, इसकी कंपेयर रावण से कर सकते हैं हम, बहुत दिन तक क्रोध करने वाले, मौका देखकर प्रहार करने वाले, अधिक सोने वाले और क्रूर होते हैं ये भी। रहता है पेशस सत्व, पेशस सत्व की तुलना हम पेशाच से कर सकते हैं, अधिक खाना खाने वाले, स्त्री के वश में रहने वाले, डरपोक होते हैं, विकृत आहार विहार, इनका जो आहार है वो विकृति होगा। रहता है सर्प सत्व, सर्प सत्व प्रकृति वाले लोग क्रोध करने वाले, भययुक्त होकर कार्य करने वाले, अधिक परिश्रमी होते हैं और सदा आहार विहार में लगे रहते हैं। परेत सत्व, परेत सत्व जो है भूत प्रेत से कर सकते हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य को ना समझने वाले, हमेशा दुखी रहने वाले, सदा भोजन की इच्छा रखते हैं ये, और लोभी होते हैं, आलसी होते हैं। फिर आते हैं शकुन सत्व, इसकी तुलना हम पक्षी से कर सकते हैं, ये हमेशा आहार विहार में लगे रहने वाले होते हैं, एक जगह नहीं रहते, अमर्षी होते हैं, इंटॉलरेंट होते हैं ये। फिर आते हैं तामसिक प्रकृति, तामसिक प्रकृति में आती है फर्स्ट पशु सत्व, पशु सत्व अपने पर आई विपत्ति को नहीं रोक पाते, इनकैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन, डिसीजन भी नहीं ले पाते, अमध्य नोट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट भी नहीं होते ये ज़्यादा। फिर आते हैं मत्स्य सत्व, मत्स्य सत्व की हम तुलना मछली से कर सकते हैं, डरपोक होते हैं ये, इस प्रकृति के लोग मूर्ख होते हैं, लोभी होते हैं, यात्रा प्रेमी होते हैं, जल प्रेमी होते हैं और बहुत चंचल होते हैं, एक जगह पे नहीं रह सकते।
वानस्पत्य सत्य, इसकी हम तुलना पेड़ से कर सकते हैं। आलसी होते हैं, सभी प्रकार के ज्ञान से शून्य होते हैं, एक जगह पर स्थिर रहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्रकृति ज्ञान का महत्व। हमें प्रकृतियों का जानना क्यों ज़रूरी है? पुरुष की प्रकृति का ज्ञान करना आवश्यक है। सभी प्रकृति अलग अलग होती हैं और चिकित्सा भी अलग अलग प्रकार से की जाती है। दो व्यक्तियों में समान रोग हो भी तब भी उनकी जो चिकित्सा है वो समान नहीं होती, क्योंकि उन दोनों की जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है। इसीलिए हमें प्रकृति को जानना आवश्यक है। थैंक यू।